हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 11 हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 7 स्टडी करेंगे। क्लास 11 हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 7, लेसन का नेम है हमारा चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन इट मींस हम इस लेसन में रेनेसेंस इट मींस अवेकनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे रेनेसेंस का मतलब ही होता है अवेकनिंग। सबसे पहले अवेकनिंग कहाँ आई थी और क्यों आई थी और इससे क्या कॉजेज हुए और इसके क्या इम्पैक्ट हुए, ये सब हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम रेनेसेंस का मीनिंग डिस्क्राइब करेंगे। द टर्म रेनेसेंस मीन्स रीबर्थ, इट मीन्स रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि दोबारा जन्म लेना, दोबारा रीबर्थ का मतलब ये होता है कि जो पर्सन्स होते हैं उन्होंने अपने आइडियल इंडिविजुअल आइडियाज़ रखे। इंडिविजुअल आइडियाज़ मतलब कि सभी पर्सन हर थिंग के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट सामने रख के सोचने लगा और चर्च के एक्सप्लोटेशन से दूर हो गया, तो रीबर्थ। दिस फ्रेंच वर्ड रेनेसेंस फ्रेंच वर्ड है, वॉज फर्स्ट यूज बाय द स्विस स्कॉलर जैको बर्कहार्ट। सबसे पहले रेनेसेंस को यूज़ किया था वर्ड, जो फ्रेंच वर्ड है उसको जैकोब ने यूज़ किया था इन 1860 में। ड्यूरिंग द 14th टू 17th सेंचुरी, 14th से लेकर 17th सेंचुरी तक ए न्यू ह्यूमनिस्ट कल्चर पॉपुलर यूज्ड द आइडिया डैट मैन इज़ ए इंडिविजुअल इटालियन। सिंपल सा है, 14th से लेकर 17th सेंचुरी में एक नया ह्यूमनिस्टिक कल्चर रेनेसेंस की फॉर्म में आया था इटली की कंट्रीज़ में। इटली की जो मोस्टली जो एरियाज थे उनमें रेनेसेंस आया था। ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है सभी पर्सन ने अपने इंडिविजुअल आइडिया रखे थे और वो अपने वेलफेयर के बारे में ना सोचकर पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचने लगा था। तो इस तरीके से एक नया ह्यूमनिस्ट कल्चर आया था जिसे हम रेनेसेंस कहते हैं 14th टू 17th सेंचुरी में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, रेनेसेंस मीन रिवाइवल ऑफ द एनिशियंट ग्रीक एंड द लैटिन कल्चर। रेनेसेंस का मतलब होता है रिवाइवल ऑफ द एनिशियंट ग्रीक एंड द लैटिन कल्चर। लैटिन और एनिशियंट कल्चर का रीबर्थ, इट मींस कल्चर में नए एलिमेंट्स आने लगे, मॉडर्न एलिमेंट्स आने लगे और कंजर्वेटिव एलिमेंट्स दूर होने लगे रेनेसेंस के थ्रू। इट फर्स्ट बिगेन इन इटली, सबसे पहले रेनेसेंस आया था इटली में। इट मींस इटली में सबसे पहले लोगों में अवेकनिंग आई थी, अपने चर्च के अगेंस्ट, चर्च के एक्सप्लोइट कर रहा था इटली की जो पीपल्स थे और उनके अगेंस्ट रेनेसेंस ने लोगों में अवेकनिंग फैलाई थी। और अवेकनिंग का मतलब है लोग अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए अवेक हो गए थे। फॉलोड बाय रोम, वेनिस एंड फ्लोरेंस। इटली के जो प्रोमिनेंट जो टाउन्स थे उनका नाम वेनिस और फ्लोरेंस था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एज। रेनेसेंस के आने के बाद में मॉडर्न एज की बिगनिंग होने लगी। मॉडर्न एज का मतलब होता है कि लोगों में पर्सन्स में नए नए आइडियाज़ आने लगे और अपने आइडियाज़ को वो पूरे यूरोप में स्प्रेड करने लगे। सबसे फर्स्टली हमारा पॉइंट है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एज। बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एज में ही फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब है पर्सन्स अपने वेलफेयर के बारे में ना सोचकर पूरे ह्यूमन बींग के वेलफेयर के बारे में सोचने लगा। ह्यूमनिज्म वॉज द वन ऑफ द मूवमेंट, ये एक मूवमेंट था जो इंडिविजुअल पर्सन अपने राइट्स के लिए उन्होंने चलाया था। दैट स्टार्टेड इन इटली, इटली में स्टार्ट हुआ था 14th सेंचुरी में। इट मीन 14th सेंचुरी में इटली में ह्यूमनिज्म एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ह्यूमनिज्म मूवमेंट के थ्रू सभी लोगों ने पूरे यूरोप की कंट्रीज़ को ये बताया था कि इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, हर चीज़ को रैशनल वे में सोचा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रांसिस्को पैट्रिक। फ्रांसिस्को पैट्रिक इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म इट मीन्स सबसे पहले ह्यूमनिज्म की टेंडेंसी को इटली की मोस्टली एरियाज में फैलाने वाला फ्रांसिस्को पैट्रिक था, इसलिए उसे फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहते हैं। ही सजेस्टेड, फ्रांसिस्को पैट्रिक सजेस्टेड ए शिफ्ट फ्रॉम द स्टडी ऑफ लॉ टू द एनिशियंट रोमन कल्चर एंड द टेक्स्ट। जो फ्रांसिस्को जो पैट्रिक था उसने रोमन कल्चर और ट्रेडिशन को एक नया फॉर्म दिया था। द टर्म ह्यूमनिज्म वॉज द फर्स्ट यूज्ड बाय द रोमन लॉयर एंड द एसेइस्ट सिसरो। सबसे पहले ह्यूमनिज्म का जो टर्म था उसे यूज़ करने वाला था एसेइस्ट सिसरो और लॉयर भी था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि अरब का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इटली में रेनेसेंस
लाने में, अरब कॉन्ट्रीब्यूशन। 14th सेंचुरी अरब्स ट्रांसलेटेड एनिशिएट ग्रीक एंड द रोमन टेक्स्ट। 14th सेंचुरी में जब अरब्स आए थे तो उन्होंने एनिशिएंट ग्रीक और रोमन कल्चर को ट्रांसलेट करना शुरू किया था अरेबिक लैंग्वेज में। इससे लोगों में अरब और रोमन कल्चर को लोगों ने जाना, आइडेंटिफाई किया और उसमें नए एलिमेंट्स को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया। दे कॉल्ड प्लेटो एज द अफलातून एंड द एरिस्टोल एरिस्तू इन अरेबिक। जो अरब्स आए थे 14th सेंचुरी में, उन्होंने प्लेटो को अफलातून कहना स्टार्ट किया और एरिस्टोल को एरिस्तू कहना स्टार्ट किया अरेबिक लैंग्वेज में। इट मीन्स अरब जब आए थे तो उन्होंने ग्रीक और रोमन टेक्स्ट का अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन शुरू कर दिया और जो ग्रीक और रोमन कल्चर के से रिलेटेड जो थिंकर्स थे प्लेटो, उसे अफलातून कहना स्टार्ट किया और एरिस्टोल को एरिस्तू कहना स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टॉलमी। टॉलमी यहाँ पे पी साइलेंट है स्टूडेंट। टॉलमी रॉट इन ग्रीक एल्मजेस्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी। टॉलमी ने एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एल्मजेस्ट एक बुक लिखी थी। नेक्स्ट है हमारा इटालियन वर्ड। इटालियन वर्ड में सबसे पहले हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट पढ़ेंगे। रिफॉर्मेशन मूवमेंट का मतलब होता है रिफॉर्म करना। इट मीन उस टाइम में इटली में जो मोस्टली जो एरियाज थे उन पे चर्च का कंट्रोल था, तो इसे ही और चर्च के कंट्रोल को दूर करने के लिए, चर्च के कंट्रोल के अगेंस्ट जाने के लिए एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन मूवमेंट को मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया था। अब हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। रिफॉर्मेशन मूवमेंट वॉज ए प्रोटेस्ट मूवमेंट। रिफॉर्मेशन मूवमेंट एक प्रोटेस्ट मूवमेंट था, एक विरोध मूवमेंट था। इट मीन्स किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट था? चर्च के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था। डैट टुक प्लेस इन द 16th सेंचुरी। रिफॉर्मेशन मूवमेंट 16th सेंचुरी में आया था अगेंस्ट द चर्च एंड द पोप्स। पोप्स और चर्च के अगेंस्ट आया था। पोप उस टाइम में जो फादर होते थे या फिर जो राजा महाराजा होते थे उन्हें कहा जाता था। फिर हमारा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का ड्यूरेशन था 14 to 83 एंड 15 to 46। लॉन्च ए कैंपियन, चर्च के अगेंस्ट एक कैंपियन लॉन्च किया अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, इट मीन क्रिश्चियनिटी थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर थे वो प्रोटेस्टेंट को मानने वाले थे और उस टाइम में डिस्क्रिमिनेशन होता था, इट मीन्स ग्रीक कल्चर और रोमन कल्चर में डिस्क्रिमिनेशन होता था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। प्रोटेस्टेंट को इन्फीरियर माना जाता था और कैथोलिक को सुपीरियर माना जाता था। तो मार्टिन लूथर ने एक लॉन्च किया मूवमेंट जिसे रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहते हैं, अगेंस्ट कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिफॉर्मेशन मूवमेंट कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। स्टूडेंट्स, रिफॉर्मेशन मूवमेंट को प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मूवमेंट के थ्रू प्रोटेस्ट किया गया था लोगों ने, किसके अगेंस्ट? चर्च के एक्सप्लोटेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट। लेड टू द चर्च इन जर्मन एंड द स्विट्जरलैंड ब्रेकिंग देयर कनेक्शन विद द पोप्स एंड द कैथोलिक चर्च। यहाँ पे लोगों ने, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के लोगों ने अपने सारे कनेक्शन ब्रेक कर दिए थे पोप और कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट। इट मीन्स रिफॉर्मेशन मूवमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, रिजल्ट ऑफ रेनेसेंस। अब हमने बहुत सारे स्टडी कर लिए, अब हम रिजल्ट पढ़ेंगे। रिजल्ट ऑफ रेनेसेंस। रिजल्ट ऑफ रेनेसेंस में सबसे फर्स्टली है टू पार्ट्स थे लाइफ के, पब्लिक की जो लाइफ के टू पार्ट्स थे, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो ये है हमारा द प्राइवेट एंड द पब्लिक स्फीयर ऑफ लाइफ बिगेन टू बिकेम सेपरेट। पर्सन्स की प्राइवेट और पब्लिक लाइफ सेपरेट हो गई। इट मीन्स उन्होंने प्राइवेट लाइफ को अलग विजन से सोचना स्टार्ट किया और पब्लिक लाइफ को अलग विजन से सोचना स्टार्ट किया। द पब्लिक स्फीयर मीन्ट, पब्लिक स्फीयर का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एंड फॉर्मल रिलीजन, फॉर्मली रिलीजन को मानना। और प्राइवेट स्फीयर का मतलब होता है फैमिली, पर्सनल रिलीजन, फैमिली से रिलेटेड पर्सनल। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ईच पर्सन इज ऑन राइट। रेनेसेंस आया था तो ह्यूमनिज्म की टेंडेंसी आ गई थी, तो सभी पर्सन्स ने अपने राइट्स के बारे में, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचना स्टार्ट किया और किसके अगेंस्ट गए थे? चर्च के अगेंस्ट गए थे। इन द 18th सेंचुरी सेंस ऑफ द इंडिविजुअल, सेंस ऑफ द इंडिविजुअल मतलब है सभी पर्सन्स ने अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचना स्टार्ट किया था, वुड बी एक्सप्रेस्ड इन ए पॉलिटिकल फॉर्म। इट मीन्स सभी पर्सन्स ने अपने ह्यूमन राइट्स को यूज़ करते हुए पॉलिटिकल वे में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, वोट डालना शुरू किया था और पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेटिव बनना स्टार्ट किया था
और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया था इन द बिलीव डैट ऑल इंडिविजुअल हैड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। सभी पर्सन्स ये मान गए थे कि सभी लोगों का इक्वली पॉलिटिकल राइट होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी चर्च का नहीं होना चाहिए। अनदर डेवलपमेंट वॉज डैट द डिफरेंट रीजन ऑफ यूरोप एंड स्टार्टेड टू हैव देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड ऑफ लैंग्वेज। सभी लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को फील किया, उन सभी लोगों ने ये फील किया कि चर्च के सेपरेट होकर भी हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारी एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, अब है रेनेसेंस आने से, जो प्रिंटिंग प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन रेनेसेंस के पहले हुआ था और प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू ही एक तरीके से रेनेसेंस आया था। जोहान्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द 1455। जोहान्स गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन किया था 1455 में। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप एट, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की थी, किसके थ्रू की गई थी, कैस्टोन के थ्रू की गई थी इन 1477 में यूरोप में। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कैस्टोन के थ्रू स्टार्ट की गई थी इन 1477 में यूरोप में। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इंक्रीज्ड द वॉल्यूम ऑफ बुक्स। अब स्टूडेंट, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन होने लगा, बहुत सारी बुक्स आने लगी इन द हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, और इन बुक्स ने लोगों में एजुकेशन के इम्पॉर्टेंस को रेस किया और अवेकनिंग फैलाई एजुकेशन के बेस पे। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग ने स्टार्ट की थी और कैस्टोन ने सबसे फर्स्टली प्रिंटिंग प्रेस 1477 में यूरोप में स्टार्ट की थी। प्रिंटिंग प्रेस के इनोवेशन होने से बहुत सारी बुक्स मार्केट में आने लगी, और जब बहुत सारी बुक्स मार्केट में आने लगी तो एजुकेशन भी लोगों में फैलने लगी। एजुकेशन फैलने का मतलब है लोगों में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस आइडेंटिफाई होने लगी। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट और लास्ट वीडियो में क्लास 11 हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 7 चेंजेस कल्चर ट्रेडिशन का फर्स्ट पार्ट और फाइनल पार्ट स्टडी किया है।